हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हमारा जीओसी का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके नाम से भी पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ये। इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ दो एलिमेंट, कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और हाइड्रोकार्बन्स जो है उन्हें जितने भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबका पेरेंट मानते हैं, सबका जनक है ये मम्मी पापा हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो सैचुरेटेड कंटेन्स ओनली सी सिंगल बॉन्ड, सी सिर्फ इसमें सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो जो सैचुरेटेड वाले होते हैं उनमें जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड होंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, दोज आर कॉल्ड एल्केन्स। दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। तो अनसैचुरेटेड में दो टाइप हो गए, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें डबल बॉन्ड होता है, जिनमें केवल सी सी डबल बॉन्ड होता है, उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स दोज कंटेन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दोज आर कॉल्ड एल्काइन्स, उन्हें एल्काइन्स बोलते हैं। एल्केन्स जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 10, 20। सिमिलरली एल्कीन्स जो है इनका जनरल फार्मूला CnH2n, और एल्काइन्स का जनरल फार्मूला CnH2n-2। हियर ऑल्सो स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये आपके जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर से समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, एंड ऑल द अदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सपोज टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पेरेंट ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम उन्हें पेरेंट्स मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए आपका जो है हाइड्रोकार्बन है आपका C2H6। अब आपका एल्कोहल, हम कहें कि एल्कोहल को कैसे इससे ड्राइव करेंगे, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक एच माइनस कर दीजिए, तो सिक्स में से एक एच माइनस कर दिया, और जिस भी कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दीजिए आप। तो ये जो C2H5OH है इसे ये किससे ड्राइव हुआ, इथेन से, इथाइल एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन कम करके फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम मानते हैं कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड होते हैं। अब आपको कुछ एल्केन्स जो है उनके आपको फॉर्मूले बताते हैं। तो एल्केन्स सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन में जनरल फार्मूला एल्केन्स का क्या बताया था मैंने अभी, एल्केन्स जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फार्मूला CnH2n+2। यहाँ पे इसका नेम, और नेम के बाद में जो है इसका स्ट्रक्चर। देखिए कुछ एल्केन्स आपको, क्योंकि एल्केन्स ही पेरेंट होंगे तो एल्केन्स के आपको नाम स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 ले लेते हैं, तो CnH2n+2, तो C1H2+2, तो ये हो जाएगा आपका CH4। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दीजिए, यू विल गेट CH4। एंड द फर्स्ट एल्केन इज कॉल्ड मीथेन। स्ट्रक्चर तो यही होती है CH4। कार्बन 2, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 रख दीजिए जनरल फार्मूले में, CN, तो C2 और H
2N 2 2 4 + 2 6, दिस इज ईथेन। ये आगे चल के आपको IUPAC में भी आपको ये वर्ड रूट बताए जाएंगे, जैसे मेथ है, यहाँ पे एथ है, ये टू कार्बन के लिए एथ, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप समझ सकते हैं, CH3 CH3, थ्री है तो C3, भैया थ्री रखिए, 3 2 6 + 2 8, दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन इट इज CH3 CH2 CH3, फोर तो C4H10, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 2 8 + 2 10, दिस इज ब्यूटेन एंड इट इज CH3 CH2 CH2 CH3। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, 5 पे पेंटेन हो जाएगा C5H12, और यहाँ पे आप देखेंगे CH3 CH2 को मैं 3 बार होल थ्राइस कर देता हूँ, ये पेंटेन हो गया, 6 करोगे तो C6H14, 6 2 12 + 2, वही यहाँ 6 रखा, 6 2 12 + 2 14, दिस इज हेक्सेन। तो यहाँ पे आपका CH3 CH2 होल 4 CH3, तो 7 को बोलते हैं C7H16, ये होता है आपका हेप्टेन। हेप्टेन में आप जो है यहाँ पे एक CH2 और इंक्रीज कर दीजिए, 5 CH3, दिस इज हेप्टेन। और अगर कार्बन 8 है तो C8H18, यहाँ पे N की वैल्यू पुट करते रहिए बस, ऑक्टेन। ऑक्टेन में आप CH3 CH2 6 CH3, दिस इज ऑक्टेन। और 9 को बोलते हैं नोनेन, C9H20, दिस इज कॉल्ड नोनेन। इसी तरह से आप कर लेंगे, यहाँ पे 6 की जगह 8 हो जाएगा ये, और 10 आप करेंगे तो C10H22, दिस इज डेकेन। तो ये फर्स्ट 10 एल्केन्स के फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फार्मूले, सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसी जैसे ऊपर किया है आपने, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 हो जाएगा CH3। दीज आर द फर्स्ट 10 एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये आपको जो है, ये जो आपके वर्ड रूट्स हैं, ये आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, आप ध्यान रखेंगे कितने कार्बन है तो उसका वर्ड रूट क्या होता है। 1 कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नोन, 10 का डेक। तो ये हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट टाइप्स के जो कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा उसको बताते हैं हम आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन्स, देखिए हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, आप यहाँ पे भी देखें, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये दोनों भी डिफरेंट टाइप के हैं भाई, ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कार्बन्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। कौन सा होता है प्राइमरी कार्बन? प्राइमरी कार्बन वो होता है द कार्बन अटैच्ड टू नो अदर कार्बन, अटैच टू नो अदर कार्बन और वन अदर कार्बन, यानी जो किसी भी कार्बन से अटैच ना हो या एक अदर कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। जैसे देखिए मीथेन होता है CH4 एंड CH4 इज नॉट अटैच टू एनी अदर कार्बन, सो इट इज प्राइमरी कार्बन, इसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। सिमिलरली इथेन CH3, दिस कार्बन इज 1 डिग्री बिकॉज इट इज अटैच टू 1 मोर कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो 1 डिग्री बिकॉज इट इज अटैच टू 1 मोर कार्बन। तो ये एक एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये आपके प्राइमरी कार्बन होता है, यानी जिसका जो है एक ही अदर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना हुआ हो, वो आपका प्राइमरी कार्बन। सेकेंड नंबर पर आता है सेकेंडरी कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं,
तो ये कितने कार्बन से अटैच होगा? द कार्बन विच इज अटैच टू टू अदर कार्बन्स, टू अदर कार्बन्स। जैसे ये वन अदर कार्बन से अटैच होता है, तो ये ऐसा कार्बन जो टू अदर कार्बन से अटैच हो, टू अदर कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए CH3, CH2, CH3। जरा बीच वाले कार्बन को देखें, ये एक तरफ इस कार्बन से अटैच है, दूसरी तरफ इस कार्बन से अटैच है, तो इट इज़ सेकेंडरी कार्बन। ओके, और ये आपका CH3 सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये केवल CH2 से, इट इज़ प्राइमरी। ये भी केवल एक कार्बन से अटैच है, इट इज़ प्राइमरी। तो इस तरह से जो है आपके सेकेंडरी कार्बन होते हैं। थर्ड है आपका टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन ये आपका होता है 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा, ये आपका अटैच्ड होगा 3 अदर कार्बन्स। देखिए जिसे आपका जो है CH3, CH, CH3, CH3। जरा इस बीच वाले कार्बन को देखें, ये एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से, 3 अदर कार्बन से अटैच है, सो इट इज़ टर्शरी कार्बन। एंड ये एक ही कार्बन से अटैच है प्राइमरी, ये वाला कार्बन सिर्फ इससे अटैच है। ये CH3 भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी। ये भी सिर्फ एक से अटैच है, इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। तो ये आपका होता है टर्शरी। अगर मान लीजिए कार्बन आपका फोर अदर कार्बन से अटैच हो, दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टरनरी कार्बन, दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टरनरी कार्बन नंबर 4, क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी कार्बन को 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। देखिए जैसे आपका जो है ये कंपाउंड है CH3, 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 CH2, CH3। ओके, अब जरा इस कार्बन को देखिए, ये जो सेंटर वाला है, बीच वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से अटैच है? जरा काउंटिंग करिए, 1, 2, 3 और 4। ये कार्बन आपका 4 अदर कार्बन से अटैच है, सो इट इज़ क्वार्टरनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। इनकी बात करें तो ये प्राइमरी, इसकी बात करें तो ये प्राइमरी। ये भी सिर्फ एक से ही अटैच है प्राइमरी। ये वाला देखिए, एक इससे अटैच है और एक इससे, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला आपका हो जाएगा सेकेंडरी, और ये आपका चूंकि एक से ही अटैच है तो प्राइमरी। तो इस तरह से आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये आपके 4 टाइप्स के जो है कार्बन एटम्स होते हैं। इसी तरह से जो है हम 4 टाइप्स के हाइड्रोजन, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है आपका H, जो किससे अटैच है? हाइड्रोजन अटैच्ड टू ए प्राइमरी कार्बन। आपका हाइड्रोजन है कोई प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं 1 डिग्री H, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आपका 2 कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, H अटैच टू ए सेकेंडरी कार्बन, तो उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर आपका हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज़ कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्वार्टरनरी से हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों से कार्बन अटैच होते हैं। तो हाइड्रोजन को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे हम यहीं पर आपका देखें, ये जो तीन हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है? प्राइमरी कार्बन से। तो इन तीनों हाइड्रोजनों को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस तरह से प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन और ये हाइड्रोजन की जो है कैटेगरीज होती हैं। एक आपको प्रीफिक्सेस कुछ हैं जो आपको देखेंगे, आप कॉमन नेम में यूज होते हैं कुछ प्रीफिक्सेस, जैसे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ये जो प्रीफिक्स हैं, इनको भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। सम प्रीफिक्सेस इन कॉमन नेम्स, ये कॉमन नेम्स में यूज होते हैं, IUPAC नेम्स में यूज नहीं होते, लेकिन आपको जनरली मिल जाते हैं ये लिखे हुए, तो इनका आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको इनकी। जैसे फर्स्ट प्रीफिक्स यूज होता है एन एल्केन, अक्सर लिखा आप देखेंगे, कहीं लिखा होगा एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, तो इनके क्या मतलब होते हैं एन के? तो देखिए, एन का मतलब यहाँ पर होता है नॉर्मल, एन मीन्स नॉर्मल, एन एल्केन मीन्स नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन का मीनिंग क्या है? अगर लिखा हुआ है नॉर्मल एल्केन, एन एल्केन, तो उसका मीनिंग होता है कि उस एल्केन में ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन।
उसमें सारे कार्बन जो होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे, कोई भी कार्बन जो है वो ब्रांचिंग में नहीं होगा। जैसे मैं ये लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए यहाँ पे ऑल द फोर कार्बन आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट चेन, तो इसका जो नेम होगा वो होगा एन ब्यूटेन, इसका नेम होगा एन ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर मैं फाइव कार्बन लिख दूँ स्ट्रेट चेन में, फाइव कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, इट इज़ एन पेंटेन, क्योंकि जो फाइव कार्बन्स हैं वो आपके पेंटेन होते हैं। ओके, तो इस तरह से सिक्स हैं तो एन हेक्सेन, सेवन है तो एन हेप्टेन, तो ये आपका जो है एन प्रीफिक्स होता है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर आपका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आइसो, कई बार लिखा रहता है आइसो एल्केन, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन। तो देखिए आइसो प्रीफिक्स तभी यूज होता है जब आपके कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पर मिथाइल अटैच्ड हो, जब आपका CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट द सेकंड कार्बन, एट द सेकंड कार्बन ऑफ चेन, चेन के सेकंड नंबर के कार्बन पे आपका मिथाइल अटैच हो, दैट इज कॉल्ड आइसो। देखिए जैसे ये आपका CH3 CH और ये सेकंड कार्बन पे CH3 अटैच हो गया CH3, ये जो आपका सिस्टम है दिस इज आइसो। जिस भी हाइड्रोकार्बन में ये सिस्टम प्रेजेंट होगा यानी सेकंड नंबर वाले कार्बन में मिथाइल अटैच्ड होगा तो उसको उससे पहले आप प्रीफिक्स लगाते हैं आइसो। तो इसमें फोर कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटेन। जैसे एन ब्यूटेन में तो स्ट्रेट चेन में होंगे चारों कार्बन, आइसो ब्यूटेन में सेकंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल अटैच्ड होगा, दिस इज आइसो। और एक आप देखेंगे यूज होता है नियो, नियो नियो प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब सेकंड नंबर वाले कार्बन पे इस पे टू मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। नियो के लिए देखिए आप, ये मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है, तो आप देख रहे हैं जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है 1 2, इस पे दो मिथाइल अटैच्ड है, ये जो सिस्टम अटैच होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं नियो। तो इसमें फाइव कार्बन है, सिक्स कार्बन है टोटल, भाई फोर ये हो गए, टू ये हो गए, सिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन, ये नियो हेक्सेन होगा। तो ये प्रीफिक्सेस कॉमन नेम में जनरली यूज होते हैं, तो इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, अब एल्काइल ग्रुप पे, एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, तो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी आपका एल्केन है, एल्केन, एल्केन में से एक एच रिमूव कर दीजिए, देन यू विल गेट एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये सब आपको काम आने हैं आगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में, इन सभी की आपको ज़रूरत पड़नी है। तो एल्केन में से क्या रिमूव किया आपने, एच रिमूव कर दीजिए, तो ये जो एन है आपका सफिक्स, ये सफिक्स एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, आयल। एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से, RH, और RH में से जब आप एच रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, R, R इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। R जो है नोटेशन वो एल्काइल ग्रुप का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मीथेन की बात करें, मीथेन का फॉर्मूला CH4, एक H रिमूव करिए तो क्या मिलेगा, CH3, तो ये मीथेन, तो मीथेन से कौन सा ग्रुप बनेगा, मिथाइल। मैंने अभी बताया एन को आयल से रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली एथेन, इथेन होता है C2H6, CH3 CH3, एच रिमूव करिए इसमें से CH3 CH2, वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी होती है जिस वैलेंसी में से एच रिमूव हुआ है, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप। भाई दो कार्बन है तो इथाइल होगा, वन का मिथाइल होता है। अगर कार्बन नंबर 3 है CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, ये तो इथेन था दो कार्बन का, 3 कार्बन वाला एल्केन मैंने बताया था आपको प्रोपेन, ये होता है प्रोपेन। अब प्रोपेन में ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है टर्मिनल्स वाले CH3, ये CH3 सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, इट इज़ प्राइमरी, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है, इट इज़ प्राइमरी, और ये बीच वाला इधर भी अटैच है, इधर भी दो तरफ कार्बन से अटैच्ड है, तो इट इज़ सेकेंडरी। अब आपके पास यहाँ पर टू टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों प्राइमरी हाइड्रोजन है जो CH3 के हैं, और CH2 का सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो आप कौन सा हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप इससे बन सकते हैं। अगर आप रिमूव करते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन,
1 डिग्री, आपने माइनस एच किया 1 डिग्री वाला, ये वाला, तो आपका जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2, फ्री वैलेंसी यहाँ पे आएगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल और एन प्रोपाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में है। तो ये आपका प्रोपाइल बना। अब मान लीजिए आपने इसी में से सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिमूव किया, माइनस एच सेकेंडरी, ये बीच वाला, ये जो है सेकेंडरी वाला, यहाँ से रिमूव किया, तो आपका ग्रुप बनेगा CH3 CH CH3, फ्री वैलेंसी बीच वाले कार्बन पर होगी, सेकेंडरी कार्बन पर। तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। ओके, इसी तरह से आप मान लीजिए आपका जो है ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, एन ब्यूटेन में होंगे आपके 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट है 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो दिस इज एन ब्यूटेन। इसमें भी आप देखिए टर्मिनल वाले प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि एक अदर कार्बन से अटैच है ये भी, और बीच वाले देखिए ये 1 2 दो कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, और ये जो CH2 है ये भी इधर CH2 से इधर CH3 से 2 कार्बन से अटैच है, इट इज़ सेकेंडरी। यहाँ पर भी 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है, तो अगर आप जो है प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यू विल गेट एन ब्यूटाइल। अगर आपने ये वाला CH3 का हाइड्रोजन रिमूव किया तो आपको मिलेगा एन ब्यूटाइल CH3 CH2 CH2, फ्री वैलेंसी, दिस इज एन ब्यूटाइल ग्रुप। अगर आप रिमूव करते हैं सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन, ये CH2, कोई से CH2 का रिमूव करते हैं, तो देखिए आपको मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। मान लीजिए आपने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पर फ्री वैलेंसी है, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब मान लीजिए आपका जो ये, मैं आपको 1 पे मैंने मीथेन बताया, 2 पे इथेन, 3 पे 2 ग्रुप प्रोपेन के, 4 पे ब्यूटाइल, एक आपका लेते हैं आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन। में आप देखें ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, और ये जो बीच वाला है ये है आपका टर्शरी, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है ये 1 2 3 तीनों कार्बन से अटैच है, सो इट इज टर्शरी कार्बन। नाउ इफ वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द प्राइमरी कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया इन CH3 में से, तो आपको मिलेगा CH3 CH CH3, और ये फ्री वैलेंसी आपकी यहाँ पर होगी CH3 पे, यहाँ से रिमूव किया हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसो क्यों यूज हुआ, हमने आपको बताया था, ये वाला सिस्टम जहाँ भी होगा सेकेंड कार्बन पर मिथाइल होगा, दैट इज कॉल्ड आइसो, ये आइसो प्रीफिक्स इसके लिए यूज होगा। इसी से मान लीजिए आप जो है टर्शरी वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इफ यू रिमूव टर्शरी हाइड्रोजन ये वाला CH, देन यू विल गेट CH3 CH3 CH3, ये यहाँ फ्री वैलेंसी होगी, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये आपके वो एल्काइल ग्रुप हैं जो आपको मोस्टली आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए आपके एल्काइल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, अब फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो जो है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो वो शो करता है, वो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। तो फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो उसकी ऑलमोस्ट सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में है तो उनकी केमिकल रिएक्शंस में भी सिमिलरिटी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो बिल्कुल सही है।
तो अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं और उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी केमिकल रिएक्शंस में भी सिमिलरिटी होती है, वो सिमिलर टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। अब आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बताते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप और उसका जो है ये फंक्शनल ग्रुप का नेम, जैसे आपको फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए X है, X का मतलब होता है हेलोजन्स, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो दिस इज कॉल्ड हेलो, हेलो बोलते हैं। और इस फैमिली को क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स। नाम जो फंक्शनल ग्रुप का होगा वो होगा हेलो, सी एल है तो क्लोरो, बी आर है तो ब्रोमो, आई है तो आयोडो, और उस फैमिली ग्रुप को बोलेंगे जिसमें जो हेलोजन कंपाउंड्स का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड हेलोजन कंपाउंड्स। इसी तरह से आपका जो है फंक्शनल ग्रुप हो सकता है OH, तो OH का नाम होता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। बाकी इसे फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्कोहल्स, यानी जिनमें OH प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स का नाम होता है एल्कोहल्स। इसी तरह से आप जो है SH, S बोलते हैं थायो, सल्फर के लिए, दिस इज थायो एल्कोहल्स, थायो एल्कोहल, और फैमिली ऑफ कंपाउंड्स का नाम भी थायो एल्कोहल्स, यही होता है थायो एल्कोहल्स। एक आपका होता है ओ आर, आर मैंने बताया एल्काइल ग्रुप होगा, तो ओ आर, जैसे आपका ओ आर को हम मिथाइल दिखा सकते हैं, ओ सी एच थ्री, ओ सी टू एच फाइव, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और फैमिली होती है ये ईथर्स की, यानी इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ईथर्स। फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्कोक्सी, और ग्रुप ऑफ फैमिली जिनमें एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स के फैमिली का नेम होता है ईथर्स। एल्कोक्सी के बाद आप देखेंगे सी एच ओ, ये सी डबल बॉन्ड और एक एच अटैच रहता है इससे, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, या इसे जो है फॉर्माइल भी कहते हैं, फॉर्माइल, फॉर्माइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी कहते हैं। इन फैमिली ऑफ कंपाउंड्स बोली जाएगी एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स। सिमिलरली कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, और फैमिली ऑफ कंपाउंड्स इज कीटोन्स, जिनमें सी ओ प्रेजेंट होगा उन्हें कीटोन्स बोलते हैं। इसी तरह से आपका होता है सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सी ओ ओ एच। सी ओ ओ एच के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे आपका सी ओ एन एच टू, दिस इज कॉल्ड एमाइड, फंक्शनल ग्रुप इज एमाइड, और इन कंपाउंड्स का को कहते हैं एमाइड्स। सिमिलरली आप देखेंगे ये सी ओ ओ सी ओ, दिस इज एनहाइड्राइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका दिस इज एनहाइड्राइड, और कंपाउंड्स को बोलते हैं एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स। तो इस तरह से आपका जो है NO2, दिस इज नाइट्रो, और कंपाउंड्स भी नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो दीज आर द सम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होगा, अगर एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं कंपाउंड्स में तो समझ लीजिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, उनका केमिकल बिहेवियर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे मैं कहूँ दो कंपाउंड्स हैं CH3OH और C2H5OH, ये आपका मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि OH एल्कोहल होता है अभी बताया मैंने, और CH3 मिथाइल, ये होगा आपका इथाइल एल्कोहल, C2H5 इथाइल ग्रुप होगा और OH होता है आपका एल्कोहल। तो दोनों में एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, सो दीज आर द दीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम। तो ये हुए हमारे फंक्शनल